हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईपीएफओ की तरफ से लाया गया एक नया अपडेट जो COVID-19 से रिलेटेड है। दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा epfindia.gov.in और यहां पर आपको होम पेज में राइट हैंड साइड में डैशबोर्ड के जस्ट बगल में दिख रहा होगा COVID-19। ये एक नया अपडेट लाया गया है ईपीएफओ की तरफ से। तो सिंपली आपको यहाँ पर COVID-19 पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको तीन तरह के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और जहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। सबसे पहला में दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन GSR 225 टू प्रोवाइड फॉर नॉन रिफंडेबल एडवांस टू ईपीएफ मेंबर्स इन द इवेंट ऑफ आउटब्रेक ऑफ COVID-19 एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो सिंपली इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत राजपत्र देख सकते हैं आप, इसका ऑफिशियल गैजेट आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा दिया है इंस्ट्रक्शन टू मेंबर्स फॉर अप्लाइंग नॉन रिफंडेबल एडवांस अंडर पारा 68L। तो सिंपली अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर से ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल अमाउंट कितना अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हाउ टू फाइल ऑनलाइन एडवांस क्लेम फॉर द पर्पस आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19, इसके लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके बारे में भी टोटल यहां पर इंस्ट्रक्शन बताई गई है। यहां पर तीसरा नंबर में आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ईपीएफ एडवांस टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक। तो यहां पर कुछ साधारण सवाल और जवाब दिए गए हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे पीएफ मेंबर्स के। तो सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन और उनके आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है हु इज एलिजिबल फॉर द एडवांस फ्रॉम ईपीएफ टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक, यानी कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आंसर में एनी मेंबर ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952 विथ यूएएन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री कवर्ड अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952। तो वे सभी कर्मचारी जो ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत आते हैं वो सभी इसी के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, लगभग 11 क्वेश्चन और आंसर, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आखिरी वाला क्वेश्चन जो है खास करके एग्जेम्प्टेड ट्रस्टों के लिए है, जो लोग एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत काम करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर आंसर दे दिया गया है और बताया गया है कि ईपीएफ 1952 एक्ट में जो कोई भी बदलाव होता है वो तुरंत ही एग्जेम्प्टेड ट्रस्टों के ऊपर भी लागू हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीन अपडेट थे यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा epfindia.gov.in पर ये अपडेट लाया गया है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।